मार्केट में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखेंगे विंड रिलीजिंग कोच का एडवांस वर्सन। तो आइए इस पवन मुक्तासन को करते हैं और अपने अंदर के फंसे हुए सारे विंड को रिलीव करते हैं, रिलीज करते हैं। इससे आपके डाइजेशन सिस्टम मजबूत होने जा रहे हैं। इसमें फंसे हुए कब्ज है, गैस है, ये सभी दूर हो जाएंगे। आइए करते हैं। इसके लिए हम सुपाइन पोज सवासन में आ जाते हैं, जो इसका प्रिपरेटरी पोज है। आप मैट पर सीधा लेट जाइए, पीठ के बल अपने दोनों हाथों को हथेली को नीचे रख के और दोनों पैर को उठाना है 90 डिग्री पर। इनहेल करते हुए इनहेल कीजिए, दोनों पैर को उठाइए और इसे अपने चेस्ट पर ड्रॉप कीजिए। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों से इंटरलॉक कर लीजिए, ये यहाँ खींच के रखिए और 5 ब्रेथ तक बने रहिए। पूरा इंटरलॉक रखिए जितना दबा सकते हैं। हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने हैं सबको मसाज दे रहे हैं और तभी ये सही ढंग से काम करेंगे 5 ब्रेथ तक। और इस पोज से बाहर जाने के लिए इनहेल करते हुए फिर से 90 डिग्री पर उठा देंगे अपने दोनों पैर को, हाथ हटा के ये और एक्सहेल करते हुए नीचे चले जाएंगे। तो यह हमारा एक सेट था मित्रों। इसी तरह से आपको प्रतिदिन 8 सेट करना है। तो आइए एक सेट और हम कर लेते हैं फटाफट। इनहेल करते हुए अपने दोनों पैर को 90 डिग्री ले जाइए और यहाँ चेस्ट पर ड्रॉप कीजिए दोनों हाथ से। आप घुटने को पकड़ सकते हैं, आप सिर को पकड़ सकते हैं, इस तरह से चेस्ट में खींच के रखना है। इस तरह से आप प्रसन्न मुद्रा में रहिए, हल्का सा स्पाइन मेंटेन कीजिए, 5 ब्रेथ तक बने रहिए। पूरे शरीर को छोटा करके एक्सहेल करके आए हैं आप। और पोज से बाहर जाने के लिए इनहेल करते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री पर उठाइए और एक्सहेल करते हुए नीचे ले जाइए। तो ये था हमारा विंड रिलीजिंग पोज पवन मुक्तासन। आइए अब हम इसके फायदे को देखते हैं। मुक्तासन करने से हमारे संपूर्ण शरीर छरहरा हो जाता है, चेहरे के तेज एवं ओज को तो बढ़ाता ही है। इसके साथ साथ इससे कब्ज के रोगियों को विशेष रूप से लाभ होता है कि यह हमारे लोअर एब्डोमेन एरिया को, थाई को, हिप्स को, बटक को, इन सारी जगहों से हमारे एक्स्ट्रा फैट को हटाता है। मल निष्कासन में भी कठिनाइयों को, उदर विकार के कारण होने वाले सिर दर्द, अपान वायु के ऊर्ध्वमुखी होने के कारण मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने, संप्रम्भ आदि व्याधियों में यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। हमारे मेरुदंड बड़े ही आराम मिलते हैं, हल्के हो जाते हैं वहां के मसल को। यह हमारे लोअर बैक मसल को भी मजबूती देता है। इसमें मित्रों हमारे हृदय संबंधी विकार सभी ठीक हो जाते हैं, श्वास रोगी को भी लाभ मिलता है और हमारे मेरुदंड को तो यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाता ही है। जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शरीर में अपान वायु को बाहर निकालता है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को एब्डोमिनल पार्ट में बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर फंसे हुए लार्ज इंटेस्टाइन में फंसे हुए वायु को
निकालता है, कब्ज भी हटाता है, जिसके कारण हमारे नेक में, बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो यह उनके लिए नहीं है जो हाल फिलहाल में ही एब्डोमिनल सर्जरी करवाए हों, तो उन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और फॉलोअप पोजेज की बात की जाए तो द्विपाद उत्तान पादासन इसके बाद आप कर लीजिए, सुप्त बद्ध कोणासन और शवासन तो आपको अवश्य करना ही चाहिए हर योगासन के बाद, ताकि आपके शरीर रेस्ट कर सके। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सब प्रेम धन्यवाद।